हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी? सब ठीक होंगे? हम भी ठीक हैं। यहाँ पर ये देखिए, मॉर्निंग की ब्लैक टी पी रहे हैं हम लोग। ये सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 के आसपास की टाइमिंग है इस समय। तो आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, चुनाव चिन्ह छाता है, लेकिन क्या बताएं, इस लाइन में हम हैं नहीं, लाइन मेरी दूसरी है। गाइस, आज पता है ये मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, ये झगड़ा, ये रोज़ झगड़ा करते हैं ये। और आप लोग बोलते हैं कि ये झगड़ालू नहीं है, मैं झगड़ा करती हूँ, आप लोग बोलते हो ना, पर ये झगड़ा कर रहे हैं आज, पता है। तो झगड़ा ऐसे फर्जी नहीं कर रहे हैं, और भी झगड़ा बताओ कर क्यों रहे हैं? हमने कहा आज जब हम उसको श्रेया को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, और उसके बाद चाय बना के रखे रहना, हम आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे आराम से, बढ़िया लेट के फोन चल रहा है, आके चाय हमने बनाई। फिर गाइस देखिए, चाय इन्होंने बनाई है, बता रहे हैं ये। और जो है तो किसने बनाई, तो किसने बनाई, क्या हुआ फिर? चाय बनाई तो क्या हो गया, क्या वहाँ से आ रहे हैं थक के, इतनी दूर छोड़ के आके यहाँ चाय भी ना मिले। कल से चाय मैं बनाऊंगी, ठीक है? अरे बनाओ चाहे ना बनाओ, हम खुद बना लेंगे। चाय तो बनाई थी, और मैं अपना हर काम खुद कर सकता हूँ। खाना तो अभी मैं बनाऊंगी ना। नहीं नहीं मत बनाना, हम खुद बना लेंगे। नाश्ता और टिफिन लंच तुम्हारा बनाऊंगी ना। नहीं नहीं मत बनाओ। अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा थोड़ी ना, गुस्सा भी नहीं है, एक बात बता रहे हैं। अच्छा बात बता रहे हैं। ये बनाने की क्या जरूरी है? आम के पेड़ हैं, पेड़ ही पेड़ हैं, तो कितने पत्ते हुए रहते हैं ना, कितना सारा कूड़ा हो रहा है, तो आज ये उठा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ उठाना पड़ता है, वरना ये पता है ढेर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे जो है पत्ते गिर जाते हैं यहाँ पर, पेड़ ही पेड़ है सब। मैं ही चला जाता हूँ, तुम्हारी जानी से अच्छा मैं ही निकल जाता हूँ। गए एक बात सुनिए, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको, पहले ध्यान से सुनिएगा पूरी बात, तभी पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी ने सच नहीं कहा, सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। किसी ने कहा कि घर में मनी प्लांट लगाइए कि मनी आएगी ढेर सारी, लेकिन मनी प्लांट इतना बड़ा हुआ तो मनी आई कहाँ, मनी और जो आ रही है वो चली ही जा रही है, लेकिन मनी के चक्कर में लगे हैं, लेकिन मनी के चक्कर में इतना बड़ा मनी चली गई कहीं और। दिखाता हूँ आपको कि कितने मनी प्लांट हमने लगाया है, लेकिन मनी नहीं आई तो नहीं आ रही अभी। तो बताइए कितना सारा हो रहा है, मैं तोड़ ही लाया है, जिसको तोड़ क्या लाया, जड़ से ही उखाड़ दिया, हटा देता हूँ, इसको फेंक देता हूँ, क्या ज़रूरत है इसकी, अब इसको नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। अब मनी आनी होगी तो खुद ही आ जाएगी, नहीं तो अपने आप रहेगा, फेंक के दे रहा हूँ, ये देखिए गया। इतना अच्छा मनी प्लांट तो हो रहा था, तुमने क्यों तोड़ा? तो क्या हो गया, तोड़ा तो तोड़ना चाहिए था क्या उसको, इतना अच्छा हो रहा था, लगाया था उसको। अब देखो कितना मतलब वो कर दिया, पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए वैसे, शाम को नहीं तोड़ना चाहिए, शाम को सुबह तो तोड़ ही सकते हैं। वही देखिए गाइस, इतना अच्छा मनी प्लांट हो रहा था और इन्होंने तोड़ दिया है। और कोई खाने पीने की बेल लगा देंगे, जैसे लौकी है, कद्दू है, ये सब चीज़ें, करेला है, वो उसकी बेल लगाएंगे आप वहाँ पर, अब ये हमने उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पेड़ को ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए गाइस, पर इन्होंने देखिए तोड़ दिया है, नुकसान कर दिया है इन्होंने, अब क्या करें। वैसे मनी प्लांट को तो लगाना चाहिए घर पे, कर दिया ना मैंने, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। क्या नुकसान कर दिया? मनी प्लांट को घर में लगाना चाहिए, पता है उखाड़ना लगाना चाहिए, कुछ नहीं होता है उससे, सब कहने की बातें हैं गाइस। आज सुबह सुबह यहाँ ये हो रहा है, ये कूड़ा वगैरह उठा रहे थे, तो यहाँ मनी प्लांट वगैरह इतने सारे हो रहे थे, और इन्होंने जो है आज पेड़ उखाड़ भी दिया है, ये इतना बड़ा पेड़ उखाड़ दिया है। पर इसको अब मैं फिर से लगा देती हूँ, फेंकने से अच्छा है कि लगा देती हूँ ना। देखिए गाइस इतने सारे मनी प्लांट हो रहे हैं यहाँ पे, हरे भरे मनी प्लांट इतने सारे हो रहे हैं यहाँ पे, और जो है इन्होंने ये तोड़ भी दिया है, तो बोल रहे थे कि इनको सब तोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं देखिए आज घर में कैसा हंगामा हो रहा है, मैंने चाय नहीं बनाई ना। सुबह क्या हुआ ना, बच्चे लोग स्कूल को गए, तो फिर मैं ऐसे ही लेट गई, 5:30 बजे उठ गए थे, तो मैंने इनका लंच वगैरह बना दिया था, फिर मैं ऐसे थोड़ी देर लेट गई और ये बेटी को छोड़ने स्कूल चले गए। और फिर जब आए मुझे ध्यान नहीं रहा कि मतलब
ये गए हैं और अभी मतलब आ जाएंगे आपका क्या। मैं सोची थी अभी बना दूंगी चाय, इसीलिए मैं तय मैं लेट गई ऐसी, और मैं लेट ही रह गई, फ़ोन में लग गई मैं, कितने लोगों की नोटिफिकेशन आई थी तो मैं उन्हीं के वो देखने लग गई सुबह सुबह। अब जैसे ही आए तो इन्होंने बोला कि चाय नहीं बनाई है, तो इन्होंने बोला कि चाय नहीं बनाई है। अभी मैंने कहा अरे मैं तो चाय बनाई नहीं, अब बनाती हूँ मैं जाके, तो फिर ये खुद ही चले गए बनाने के लिए। बोलने लगे कि चाय नहीं बनाई अभी तक और फ़ोन में लगी रहती है, तो देखा होगा आगे आपने बड़बड़ा रहे थे। तो फिर यही चाय बना के ले आए, तो हम लोगों ने चाय पी ली। उसके बाद फिर मैं जो है मैंने फिर खाना वाना बनाया, इनका लंच बनाया, और मेरा तो आज व्रत है, आज साईं बाबा का व्रत है मेरा। और फिर मैंने लो इनके लिए जो है रोटी और हरी सब्जी बनाई अभी, और आज दाल चावल वगैरह नहीं ले गए हैं, और बोलने लगे खाली रोटी सब्जी ले जाएंगे आज, तो फिर वही ले गए। पराठे वगैरह ये खाते नहीं हैं, इनको तेल वाली चीज़ें पसंद नहीं है, तो फिर मैंने बना दिया लंच इनका। मतलब मैं लंच बना रही थी तो इन्होंने बाहर जो है कूड़ा हो रहा था, पत्ते वत्ते हो रहे थे, तो फिर इन्होंने उठा दिए थे, तो कभी मैं उठा देती कभी ये उठा देते, तो बोलने लगे मैं ही उठा देता हूँ तब तक तुम कर लो काम। फिर उसके बाद जो है वही इन्होंने कूड़ा वगैरह उठाया, और फिर वहाँ पर जो है बहुत सारे मनी प्लांट भी हो रहे थे ना, सब लगा रखे हैं, और तो ये लगाए हैं तो इनको मतलब गुस्सा आ रहा था। बोलने लगे कि सब लोग बोलते हैं कि मनी प्लांट लगा के घर में मनी आती है, तो हम लोग के यहाँ तो इतना बड़ा हो गया है मनी प्लांट, और देखिए कहाँ पर मनी आ रही है, कहाँ पैसा आ रहा है, जो आता है वही सब खर्चा हो जाता है, पैसा रुकता नहीं है, क्या करेंगे मनी प्लांट से, ऐसा बोलने लगे। और इन्होंने जो है थोड़े बहुत उखाड़ दिए, फिर मैंने बोला कि अरे ना उखाड़ो, रहने तो अपने आप रहता है, अब भाई मनी प्लांट मतलब मनी नहीं भी आ रही है तो कम से कम सो तो है, हरियाली तो है, हरा भरा है, अच्छा लग रहा है बाहर ना। तो फिर वही इनसे कहने लगी कि इनको उसको ना उखाड़ो, तो बस वही आज वीडियो में दिखा रही हूँ। आज इनको गुस्सा आ गया, बोलने लगे मनी प्लांट से मनी नहीं आ रही तो फ़ायदा क्या इसको लगा करके। और मैंने आज साड़ी पहनी है, पीली साड़ी पहनी है, आज साईं बाबा का व्रत है और आज बृहस्पतिवार भी है, तो आज पीला कपड़ा पहनते हैं और पहनते हैं, तो फिर मैंने आज वही पीली साड़ी पहनी है। और गर्मी बहुत हो रही है गाइस, बहुत गर्मी हो रही है। मुझे घर के जो है जो डेली के जो सारे काम होते हैं, क्या उस तरीके का ब्लॉग बनाना चाहिए या फिर जो मैं बना रही हूँ वो सही है गाइस, प्लीज़ बताइए। आप ही लोग बता सकते हैं, और क्योंकि हमें तो नहीं पता चलता ना कि हम लोग के ब्लॉग अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो आप ही लोगों को पता होगा, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएँ कैसे मतलब मुझे ब्लॉग बनाने चाहिए, और क्योंकि मेरे भी व्यूज़ आएँ, मेरे भी वीडियो वायरल होए, क्योंकि एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा गाइस, एक भी नहीं। इतनी मेहनत तो हम करें, एक साल से हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं, देखिए आज चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, और फिर मोनेटाइज होने के बाद तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे गाइस। अब इतना मेहनत करने के बाद हम छोड़ भी नहीं सकते ना, हम चैनल को बंद भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतनी मेहनत लगी है, और वो तो हम ही जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है ना ब्लॉग्स वगैरह बनाने में, तो इसीलिए बस आप ही लोग मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस तरीके से बोला, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है गाइस, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, दिमाग ख़राब हो जाता है, जैसे वीडियो डालो तो सोचो कि चलिए आज की वीडियो में तो थोड़ा सा व्यूज़ अच्छे आएंगे करके, तो फिर जब व्यूज़ नहीं आते तो बड़ा मन हो जाता, दुखी हो जाता है गाइस, बहुत दुखी हो जाता है मन कि मतलब हमारी वीडियो में व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं और करके ना, इसीलिए प्लीज़ मुझे बताएं गाइस मुझे कैसे ब्लॉग बनाने चाहिए। और आप लोग पूरा वीडियो को क्यों नहीं देखते गाइस, पूरा देखिएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि मेरे ब्लॉग बड़े हो गए हैं, मैंने ज़्यादा लॉन्ग बना दिए हैं, तो मुझे बताइए, मैं थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं तो मैं छोटा बनाऊँगी, पर आप लोग देखिए तो गाइस पता नहीं क्यों यूट्यूब हमारी वीडियो हमारे ब्लॉगों को आगे नहीं भेजता है, हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं, हमारी वीडियो लोगों के सामने नहीं भेजता है, पता नहीं क्यों नहीं हमारी वीडियो को रिकमेंड करता है यूट्यूब, क्या यूट्यूब मतलब क्या चाहता है। और देखिए हम इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, उसमें व्यूज़ नहीं आते, लोग ऐसे फालतू के ब्लॉग भी डाल देते हैं तो उसमें भी इतने अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है, बस उसमें व्यूज़ आ जाते हैं। और थंबनेल भी गाइस हम लोग थंबनेल भी बनाते हैं अपनी मेहनत, मतलब मेहनत तो हम करते ही हैं ना थंबनेल बनाने में भी, और टाइटल टैग वगैरह सब हम लगाते हैं, हम फिर भी हमारे वीडियो में व्यूज़ क्यों नहीं आते, पता नहीं गाइस क्यों नहीं आते हैं, तो आप लोग बताइए क्या कमी है मेरे वीडियो में, क्या 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 कमी है गाइस बताइएगा प्लीज़। और चलिए फिर मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।